राजधानी में नड्डा रोड शो एकाम्र भुवनेश्वर निर्वाचन मंडल में रोड शो करिछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौसीमा छकठारो लिंगराज मंदिर पर्यंत विशाल रोड शो करिछंती सहित भुवनेश्वर लोकसभा प्रार्थी अपराजिता षडंगी एकाम्र विधायक प्रार्थी बाबू सिंह रोड शो रे सामिल होइथिले एथिसहित अनेक बीजेपी कर्मी समर्थक माने ए रोड शो रे जोग देइथिले लिंगराज को मंदिर परिसर रे पहुंची महाप्रभु को नड्डा दर्शन करिछंती तबे रोड शो समय रे न्यूज 7 को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दे कहिछंती जेपी नड्डा एथर ओडिशावासी बीजेपी को बहुमत देबे बोली स्थिर कर सारलेनी उभय लोकसभा एवं विधानसभा रे बीजेपी सपक्ष रे जनमत रहिबो भुवनेश्वर कार्यक्रम सरिबा परे पद्मपुर एवं सुंदरगढ़ समावेश रे जोग देबे नड्डा दलय प्रार्थी को पई प्रचार करबा सहित जन समावेश को संबोधन करिवे जेपी नड्डा देखो विशाल रोड शो चली जेपी नड्डा जे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र अध्यक्ष से भोट मागुचंते सांसद अपराजिता षडंगी एवं बाबू सिंह आप सीधा सड़क दृश्य देखी पड़ता आम किसी रिएक्शन नवा नड्डा जी आपको कैसा लगा ये रोड शो इतना जनमत आपको कैसा लगा देखिए साहब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही आशीर्वाद देने के लिए यहाँ की जनता आतुर है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी और लोकसभा में भी हम यहाँ क्लीन स्वीप करेंगे। सर इस बार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता बोले कि एक बार चांस मिले तो उड़ीसा में तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। मैं फिर कह रहा हूँ हर तरीके से विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए एकदम आतुर बैठे हैं। सर जो माहौल का मनाकर आप लगता है कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार करेंगे? बिल्कुल यही तो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार बना के एमपी में 21 के एमपी में आपका इस तरह कैसा कितना सीट जीतेगा उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी 21 से 21? सातवें फेज के बाद बताऊंगा लेकिन हम बहुमत बना रहे हैं। उड़ीसा में सरकार करेगा? तो मैंने कहा ना बहुमत बनाएंगे तो सरकार बनाएंगे। निहत भाव में आम सहित जेपी नड्डा थे जे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र अध्यक्ष सीधा सड़क कहते जो अधिक आसन जितने लोकसभा विधानसभा सरकार करेंगे।